अब नहीं है मुश्किल कोई काम या वर्क, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल वर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा कि हमारी जो बैटरी होती है, चाहे वो बैटरी छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी बैटरी हो, वह चार्जिंग जो टाइम होता है वह किस प्रकार सेट किया जाता है कि इतने घंटे में ये बैटरी चार्ज हो जाए। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो समझ में नहीं आएगा और आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बैटरी चार्जिंग का करंट और समय, तो आइए दोस्तों वो हम लोग किस प्रकार देखते हैं। और मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बैटरी चार्जिंग जो सिस्टम है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हमारे पास एक बैटरी है 1000 mAh की। देखिए दोस्तों, और ये हमें चार्ज करना है। अब कितनी देर में चार्ज करना है, बात ये आ जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10% और यहाँ पे होगा 200 mA 20%। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये करेंगे कि जो 1000 mAh की बैटरी है वह हम किस प्रकार सेट करते हैं और अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट चाहे वो कितने mAh की हो, तो हम लोग उसको 16 वोल्ट देंगे तभी तो चार्ज होगी, या फिर 25 वोल्ट देंगे। तो पहले 16 वोल्ट पर ही हम लोग देख रहे हैं। 1000 mAh की बैटरी है तो इसमें हम 100 mA का करंट देंगे तो ये कितने देर में चार्ज होगी, जो कि 10% पर की जाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा 10 घंटा टाइम निकला, 10% की चार्जिंग पर 10 घंटा टाइम निकला 100 mA 1000 mAh की बैटरी, और 100 mA करंट देंगे तो ये 10 घंटे में चार्ज होगी। अब हम 20% पर निकालते हैं। आइए दोस्तों, 1000 / 200 तो यहाँ पे निकलेगा 5 आवर, यानी कि 5 घंटे में ये चार्ज होगी। यानी कि 20% पर अगर हम लोग बैटरी चार्ज करेंगे 1000 mAh की तो यह 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो इसी प्रकार मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूँ, ये मिली एम्पियर में थी बैटरी, अब जो दूसरा है वो सिर्फ एम्पियर में होगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं 20 AH की बैटरी, 20 ampere hour। अब हमारा जो फार्मूला है वो यही है, 2 mAh 2 ampere और 4 ampere, यानी कि 10% और यहाँ पे 20%। पहले हम लोग 10% पर देखेंगे कि 20/2, देखिए दोस्तों ये 20 और ये 2 ampere करंट देंगे 10% पर, तो यहाँ पे आता है 10, यानी कि 10 घंटे निकल के आ रहा टाइम। अब इसी प्रकार 20% पर हम चार्जिंग देंगे, या ये कहें कि 4 ampere का करंट देंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 5 घंटे। तो दोस्तों, बात वही आ जाती है घुमा फिरा के कि अगर हम लोग 10% की चार्जिंग देंगे और तो उसमें आपको 10 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत करंट लॉस होता है। और 20% में अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो 5 घंटे के करीबन टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 40% पर। देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 40% पर, यानी कि यहाँ पे आएगा 6 एम्पियर। तो अब यहाँ पे 6 का भाग देंगे हम 20 में, तो निकल के आएगा 3.33, यानी कि 3 घंटा और कुछ मिनट, 3.25 घंटा के टाइम लगेगा। अब दोस्तों 40% ये कैसे आया? दोस्तों ये आता है जैसे दोस्तों मोबाइल की जो बैटरी होती है हमारे मोबाइल में, तो वो लमसम 3 घंटा 3.5 घंटा का ही टाइम लेती है, तो वो 40% पर चार्जिंग की जाती है। अगर दोस्तों आप लोग इससे ज़्यादा फास्ट चार्ज करेंगे तो बैटरी ख़राब होने के चांसेज हैं, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चार्ज करेंगे वो 40% पर ही चार्ज करें तो बैटरी की बैकअप अच्छा होता है, बैटरी की लाइफ अच्छी होती है। इससे ज़्यादा 50% 60% पर चार्ज करेंगे हम लोग तो हमारी बैटरी काम नहीं करेगी और कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगी, चाहे वो बैटरी छोटी हो या बड़ी। अब यहाँ पे बात आती है कि मोबाइल की जो बैटरी है वो 40% पर चार्ज करते हैं हम लोग। इसके बाद जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, इन्वर्टर चार्जिंग, क्योंकि वो तो 24 घंटा ही लगा रहता, हमारी जितनी भी लाइट आती है या नहीं आती है दोस्तों तो वो लगा रहता, लेकिन वो हमेशा चार्ज नहीं होता, वो ऑटो कट इन्वर्टर आजकल आते हैं, तो जैसे ही बैटरा फुल हो जाता है तो हमारा कट हो जाता है चार्जिंग कट, तो वो भी दोस्तों 20% पर, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो 20% की चार्जिंग पर बनाई जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है और बत्ती जितनी भी आपके यहाँ लाइट रहेगी तो 10-20% के हिसाब से 5 घंटे में चार्ज कर देगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।